आज तक कोई भी हालात मुझे खुदा के प्रेम से दूर नहीं कर सका। आज तक लिखा हम में समझदार कौन है, जो कुब क्या कहता है, हम में समझदार और ज्ञानवान कौन है जो ऐसा हो अपने अच्छे चाल चलन से नम्रता से क्या करे उसके गुणों को प्रकट करे। ऐसे लिखा ना, क्या करे उसके गुणों को प्रकट करे, अपने जीवन से प्रकट करके दिखाए। बोलो क्या है, जब मैं प्रभु में आया ऐसा नहीं कि मैं, ये जीवन की बड़ी चेष्टा मनी है ना कि मैं बहुत काम करता था, हजारों कमाता था, महीने का लाख उससे भी ऊपर, पर मैं अंधकार में था, नशे करता था। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में जितने साल भी मैंने मेहनत की, मैंने कुछ नहीं कमाया। क्या नहीं कमाया? कुछ नहीं कमाया। एक बाइक था मेरे पास, बस। क्या था मेरा? एक बाइक था बस। चाहता तो गाड़ी भी ले सकता था, उन दिनों में इतने पैसे थे, पर अंधकार के कारण कुछ नहीं हुआ। समझे? प्रभु में आया, जब उसकी सेवा करनी मैंने शुरू की तो मैं इतनी, जैसे ठंड है ना, ठंड ठंड के दिनों में भी मैं बहुत दूर दूर बाइक पे जाया करता, लोगों को घुटनेस देने के लिए, अपने काम के साथ साथ। कैसे? अपने काम के साथ साथ रात को 12 बजे भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जब मैंने सेवा शुरू की, जब मैं काम करता था, रात के 12 बजे भी उठ के जाना, चाहे इतनी ठंड है, बाइक से। जब प्रेम होता है तो वो गुणों को प्रकट करता है। क्या करता है? जब प्रेम हमारे जीवन में होता है तो उसके गुणों को प्रकट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आज बाइक ही प्रेम दिखाया उसने खुदा को, 14 से 25 हजार चल ली। अगर 14 से 25 कर सकता है तो परमेश्वर हमें 25 लाख का, 25 करोड़ का भी मालिक बना सकता है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो तुम्हें समझदार और ज्ञानवान क्यों ने ऐसा हो, जो ऐसा हो अपने अच्छे चाल चलन से, अच्छे चाल चलन से वो नम्रता से है तो उसके गुणों को प्रकट करे। समझते हो? तो दूर दूर में जाया करता था। एक बार मुझे याद है, हम 25 तारीख का फंक्शन, मतलब ऐसे जब जैसे अब मनाते हैं, तो तब तो मैं ऐसे शुरुआत थी, मतलब खुद की नहीं, किसी के साथ ऐसे। तो क्या हुआ कि मैं दूर दूर गया ठंड के दिनों में, और मुझे ठंड लगी। और जिस दिन ये प्रोग्राम था उस दिन, एक दिन पहले, जैसे मान लो 24 तारीख है, तो जाने की वजह कर मुझे ठंड लगी। मैंने 2 रजाई ओढ़ी, इतनी ठंड लग रहा था, और मुझे ऐसे हो रहा था जैसे मेरी सांस बंद हो रही है और जैसे मेरी मौत हो जाएगी, ऐसे लग रहा था। क्या हो रहा था? एकदम जब मैं ऐसे, मैंने 2 रजाई ओढ़ी और मैंने अपनी मिसेस को भी ऐसे कहा, है ना, इन्होंने कुछ वो होती ना, वो जिसे लगाते हैं वैक्स वगैरह, वो भी लगाई, मगर कुछ नहीं। ऐसे एकदम से मैं उठा जैसे मेरा सांस बंद हो चला, मतलब जैसे मेरी कहानी खत्म। पर इतनी बुरी हालत में भी, इतनी प्रॉब्लम हो गई मुझे, इतना बुखार था, मैं फिर भी सुबह 25 तारीख का जो प्रोग्राम था मैंने अटेंड किया। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूं, फिर भी मैंने अटेंड किया। इतना ज्यादा बुखार, मेरी हालत उस दिन खराब थी, क्योंकि आज तक कोई भी हालात मुझे खुदा के प्रेम से दूर नहीं कर सका। आज तक ना बारिश ना तूफान, जब मैं बाइक से जाता, ना ठंड, तूफान में भी बारिश में भी मैं ऐसे जाता था, अपने कपड़ों को एक लिफाफे में डाल लेता था, टांग लेता था और निकल जाता टाइम से। ऐसे नहीं कि अभी 2 घंटे रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज लेट चले जाए, नो। बारिश के माहौल में भी, इसलिए खुदा ने आज मुझे बाइक से एक छत दे दी है, गाड़ी की क्या दे दी है, एक छत दे दी है,
और आने वाले दिनों में तो पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग उसे प्रेम करते हैं, जो चीजें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मन के चित्त में आई नहीं, वो उसने तैयार रखी है। आमीन। क्या रखी है? तैयार रखी है भाई, तैयार रखी है। आमीन। और मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी।